नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे श्रीराम का उद्घोष चरम पर, चुनावी जोश। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और सत्र की शुरुआत में ही जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ हुई, लेकिन सदन में राम मंदिर का असर दिखा। पहले ही दिन भाजपा के सभी विधायक सदन में रामनामे पटका पहनकर पहुंचे और सदन में जय श्री राम का उद्घोष भी किया। मुख्य विपक्षी दल सपा के विधायक हाथ में तख्तियां लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने पहले विधानसभा गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया, फिर सदन के अंदर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यहां लोगों को न्याय के लिए आत्मदाह करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले कानून व्यवस्था में जीरो है। ये सिर्फ पीडीएफ के हक और अधिकारों को छीनने में नंबर वन है। सदन में राम नाम की गूंज और बीजेपी के तमाम विधायकों का राम नामे पटका पहनकर पहुंचना साफ बताता है कि 2024 से पहले राम नाम के सहारे ही बीजेपी चुनावी रण में जाएगी, जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। बल्कि इस मामले में विपक्ष राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होकर और बैकफुट पर आ गया है। सवाल ये कि क्या 24 में भी तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे? सदन में भी राम नाम गूंजेगा, लेकिन क्या मुद्दों की गूंज सुनाई देगी? क्या बजट में जनता के मुद्दों का हल होगा? आज नहीं, तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द होगी चर्चा, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। बजट सत्र शुरू होते जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने गुंडागर्दी का परिचय दिया है, ये कोई नया नहीं है। हमेशा अखिलेश यादव सदन में ही इस तरीके के बयान देते हैं, या फिर ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ही, या प्रेस वार्ता के दौरान इस तरीके का बयान देते हैं कि प्रदेश में अराजकता है। लेकिन कहीं पर भी उनके नेता या उनके कार्यकर्ता या खुद कहीं पर भी जनता के साथ भी कहीं पर वो न सड़कों पर दिखाई देते हैं, न कहीं दिखाई देते हैं। तो अखिलेश यादव का ये एक तरीके से कहा जाए कि 2024 बहुत ही हल्का चुनाव रहे, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती चली जा रही, जिससे ये बिल्कुल साफ प्रतीत दिख रहा है कि 80 सीटों का लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार अवश्य पाएगी। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ सदन में, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि राज्यपाल जो है, जो एक संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठ करके सरकार की योजनाएं गिना रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युवाओं को रोजगार दे पाने में असफल है, लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं कि 15% अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आज तो जो किसानों की आय है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये झूठ और आडंबर की सरकार है, और सरकार जो है वो युवाओं विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है। सबको मालूम है जो 5 को जो बजट आने वाला है, ये फिर एक प्रकार का झुंझुना साबित है। चाहते हैं कि हर विभाग का अलग अलग बजट पेश हो और हर बजट के ऊपर जो है वो चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा से भाग रही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है और 3-4 दिन का सदन चलने का काम हो रहा है। पूरे प्रदेश में महंगाई से, बेरोजगारी से, बढ़ते हुए अपराध से, गरीबी से, भुखमरी से जनता परेशान है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। इन ज्वलंत मुद्दों को भाजपा की सरकार चर्चा न होने पाए, इसलिए बहुत छोटा सत्र करने का भाजपा सरकार ने काम किया है। इसी बात का हम लोगों ने आज विरोध करने का काम किया है। तो देखिए, हवाला दिया जा रहा है एनसीआरबी का, बेरोजगारी का, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालिए तो बेरोजगारी दर भी कम हुई है। जो आंकड़े हाल ही में सामने आए थे उसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम करने में देश में इन राज्यों ने अहम भूमिका निभाई। और उसके अलावा आप इन स्टेट्स में क्राइम की बात कर रहे हैं, तो क्राइम का भी एनसीआरबी का आंकड़ा कुछ और कहता है। बहरहाल, जवाब ले लूंगी और मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे ही आगे सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए उनका परिचय करा दूं। राज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत। विनय सिंह प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपका भी स्वागत करते हुए। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश सर, आपका भी स्वागत करते हुए। सबसे पहले अशोक जी, आप ही से जवाब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार आप ही की है। तो जो आरोप लग रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, 15% क्राइम बढ़ गया है, बकौल हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, जो बाइट्स हमारे पास आई हैं, और इन मुद्दों से इतर आप बाकी सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, क्राइम की बात हो, लूट मची हुई है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे अखिलेश यादव, क्या जवाब है आपके पास?
देखिए आपको बता दें कि पहली बात तो शुरुआत में वहां से करूंगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय का जब अभिभाषण होता है तो जो सरकार की चीजें होती है उसी को बोलते हैं। शायद संसदीय का ज्ञान कम है इन लोगों को। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। संगठित अपराध खत्म है। उत्तर प्रदेश के लोग देखते थे मुलायम सिंह जी सीएम थे, आतिक अहमद अपना कुत्ता लेके मंच पे चढ़ता था, उसके कुत्ते से हाथ मिलाने का काम नेताजी किया करते थे। आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, विकास दुबे, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले सत्ता बनाने का काम किया था। आज हमने संगठित अपराध को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 12वां नंबर पर जोग लगाने में उत्तर प्रदेश था, क्योंकि इंस्पेक्टर राज था, गुंडई थी, कोई नहीं व्यापार नहीं लगाता था। आज दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में लोग व्यापार लगाने, प्रगति के रास्ते पर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्यजनक यह है कि जब सदन चलता है तो सभी विधायकों से, नेता विरोधी दल से बात करके चलता है, लेकिन जब विधानसभा चलती है तो इन लोगों ने कागज के गोले बना के कई बार राज्यपाल महोदय के ऊपर कितने काम भी किया है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। कम से कम संसदीय मर्यादा को इन लोगों को जरूर सीखना चाहिए। मेरा ये मानना है बजट सत्र है, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खूबी है, सत्ता और विपक्ष मिलके उत्तर प्रदेश के विकास की जो योजनाएं है उस पर बहस करके उत्तर प्रदेश का विकास। अशोक जी, ये भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा आप सदन के अंदर भी ले आए, उद्घोष लगाने लगे जय श्री राम के। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सही है कि अदालत कानून के हिसाब से मंदिर का निर्माण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर निर्माण का जो निमंत्रण था वो जो लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उन लोगों ने भेजा था, उसके बावजूद। अरे तो पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं आप, मुझे आज बताइए ना, आज सदन के अंदर जो उद्घोष हुआ उसके पीछे का कारण क्या बताएंगे आप? क्योंकि पूरा देश देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर हलफनामा दिया कि राम सीता को वास्तविक पात्र नहीं है। आज का बताइए, आज का क्या? यूपी की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है। एक मिनट आ रही हूँ, राज शर्मा प्लीज काम डाउन। सुनिए, रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है प्राण प्रतिष्ठा हो ये तय है। अरे प्रभु, जो बातें अब तक कर चुके हैं अशोक जी, अच्छा ये जो क्राइम को लेकर और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसके पास उसके लिए क्या जवाब है? कि सदन के पटल पर ये सारे मुद्दों पर नहीं बात होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर नहीं बात होनी चाहिए, इन मुद्दों पर जाएंगे आप 24 के चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास पर बजट पर ही चर्चा होनी है। उत्तर प्रदेश के विकास में किस क्षेत्र में कितना पैसा लगे, ये महत्वपूर्ण सदन है। इसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन से काम नहीं चलने वाला है, इसमें सदन के अंदर समय दे। ठीक है, लॉटरी 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 आ गया, आपकी बात आ गई। विनय जी, सदन के पटल पर चर्चा शुरू होती है उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन और फिर तख्तियां लेकर बैठ जाना, ये अभी होने तो दीजिए कार्यवाही शुरू, बजट भी आ जाने दीजिए, उसमें क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या अच्छा क्या बुरा, फिर उसके बाद प्रदर्शन कीजिए। आपको नहीं लगता आपकी बगैर कुछ अभी पता हुआ नहीं है आपको और प्रदर्शन की तख्तियां लेकर आप बैठ गए वहां पे? देखिए, पता नहीं हुआ ये आप कैसे कह सकते? अभी जो राष्ट्रपति महोदय का इस अभी जो चला है, जो उन्होंने स्पीच दिया है, जो हमारे राज्यपाल ने स्पीच दिया है, इनकी मंशा कहीं ना कहीं सब सामने आ गई। जो भी इनका अभी तक भाषण रहा है इस पर केंद्र से लेकर के यहाँ तक, आपने देखा होगा कहीं बेरोजगारी पे बात नहीं हुआ, कहीं पे ये नहीं बात हुआ कि आम आदमी के पॉकेट में क्या आएगा, कैसे उसको राहत महंगाई से मिलेगी, कैसे किसानों को उनकी सुविधाएं मिलेगी, इन सब चीजों पे बात नहीं हुआ। 18 लाख करोड़ रुपया वित्तीय घाटा है और लगातार बढ़ता जा रहा, उस पर बात नहीं किया जा रहा, केवल बेकार की बातें। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम बड़ा पवित्र है और उसको बार बार, मैंने सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, और दिनेश जी भी से करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हूं तो, कि सदन से पहले ही आप लोग वहां पर तख्तियां लेकर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद जब दिनेश जी सदन के बाहर आए तब उन्होंने बाइट दी मीडिया के सामने, बिल्कुल लेकर के बैठे। पारुल जी, बिल्कुल लेकर के बैठे, आप विरोध कर रहे हैं, बराबर विरोध करेंगे, जनता के मुद्दों पर हम बराबर लड़ते हैं सदन से लेकर के सड़क पर,
अशोक जी रुकिए, बारी बारी से, बारी बारी से बात करेंगे, मिक्सअप हो जाएगा आप दोनों का ऑडियो, रुक जाइए। झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट पढ़ते वही पुराना वाला, हो सकता नया पन्ना पाए नहीं है। यहाँ पे पीडीए का प्रमोशन कर गए, लेकिन अखिलेश जी एक तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई, अभिभाषण सुना नहीं उससे पहले तख्तियां लेकर आप पहुंचे, दूसरा जो जाते जाते पीडीए का प्रचार करते चले गए, तो आप भी तो चुनाव ही लड़ रहे हैं ना सदन में, वहां पे भी तो चुनावी प्रचार ही कर रहे हैं आप हर तरह से। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल हम विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे, जो जन विरोधी जो भी इनके कार्य है उसका हम विरोध करेंगे। और पीडीए की बात क्यों ना करें, पीडीए ही आज चला जा रहा है इस सरकार में, पीडीए का जिस तरह से नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, हम बात क्यों ना करें। आप देखिए कि लोगों को रोजगार देने के नाम पर ठेकेदारी प्रथा से 8,000 रुपए की तनख्वाह पे लोगों को रखा जा रहा है। आपका कहना है कि आप तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सदन में अभी बजट आया नहीं है, सदन के अभिभाषण में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही आप लोगों की तख्तियां बाहर आ गई, तो सुनना सुनने के बाद आती तो समझ जाता, लेकिन पहले से आप मूड बना कर गए थे कि विरोध क्यों करना ही है। अब सदन में बजट पेश होगा, क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। खैर, राज शर्मा आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ सर, रुक जाइए। राज शर्मा, जाहिर है कई सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के जिनको उठाना विपक्ष का काम है, नो डाउट, लेकिन सदन की कार्यवाही भी चले, वहां पर भी जनता के मुद्दों पर बात हो, ये अरे सर सब विनय जी वेट प्लीज वेट ना प्लीज वेट राज शर्मा क्या बोलेंगे आप इस पर? मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अभी दिनेश भाई कह रहे थे मुझे तो ये उम्र से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये बात उसी तरह की कर रहे थे जैसे बच्चा कहता था ना छोटी फोन। नहीं, दिनेश जी ने तो अभी बोलना ही शुरू नहीं किया, उनके पास में गई नहीं हूं, आप सॉरी दिनेश जी, सॉरी अशोक जी, सॉरी 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 अशोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सॉरी दिनेश जी, तो ये उसी तरह कह रहे हैं जैसे सेकंड क्लास में मेहमान बच्चे को कहने थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आपको एक चीज जाननी चाहिए अशोक भाई कि आपने देश को क्या दिया, प्रदेश को क्या दिया, प्रदेश की बात हो रही, आपने कितनी नौकरियां दे दी, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है, बारी बारी से अशोक जी, मैं वापस आऊंगी ना, वापस आऊंगी आपके पास, पहले फर्स्ट 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 रिएक्शन आ जाए, बारी बारी से अपनी बात रखिएगा, रुक जाइए। देश को नहीं बोलने देते, प्रदेश को नहीं बोलने देते, प्रवक्ता को नहीं बोलने देते, ये पाप का पेट कहां ले जाओगे आप भाई? एक सेकंड, जो मेरा जवाब है उसको देना, मेरे सवाल ठीक है, मुद्दे पर रहिए, इतना बताइए और अच्छी अच्छी बातें हम करें, है ना, ठीक है, आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में ही आपका विधायक मारा गया था, याद है आपको, स्वास्थ्य सुविधाएं। और एक और बात, आयुष्मान की बात करूं, आप ही की सरकार में आयुष्मान कार्ड भारत को बोल लो यार, एक मिनट बताऊं, हर वक्त लड़ाई लड़ाई, पता नहीं क्या खा रहे हो आजकल आप, फिर मैं कहता हूं बोल ले तो पहले, आपका आयुष्मान कार्ड धारक को, आयुष्मान कार्ड धारक को आपने इलाज नहीं दिया, याद है भूतपूर्व पूर्व एमपी का बेटा एसजीपीजीआई में मर जाता है, ये आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं, टीचर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षक आप ही के किसी प्रवक्ता की बेटी यूपी में नौकरी नहीं लगी, बिहार में नौकरी लगी, और सुन लो बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, क्यों झूठ बोलोगे, अरे इन बच्चों को जवाब देना है, आप और मेरे बच्चों को, आप और मैं ही जवाब देंगे। ये तो सर ये आंकड़े केंद्र सरकार जो पेश कर रही है, एनसीआरबी जो पेश कर रहे हैं दिनेश जी, ये फिर आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, अगर अगर नौकरियां नहीं है और जो भी राज शर्मा कह रहे हैं, विनय जी कह रहे हैं, तो दिनेश जी ये आंकड़े फिर कहाँ से आ रहे हैं? केंद्र सरकार कहती है यूपी का बड़ा योगदान है देश में बेरोजगारी दर कम हुई है, या एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि क्राइम कम हुआ है, ये फिर क्या चीजें हैं, समझाइए सर। देखिए ये अलग अलग बातें हैं, एक ये सवाल एक नहीं, इसमें कई सवाल हैं आपके। आपने बेरोजगारी की अगर बात की है तो जहां तक मैं समझता हूँ देश के अंदर दो प्रकार के लोग बेरोजगार हैं, एक तो वो है जो केवल केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं, वो और किसी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल। दूसरा दूसरा वो बेरोजगार दूसरा जो है वो बेरोजगार है, मैंने दो प्रकार की बात, दूसरा वो जो
एक तो मैंने ये बात कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा, जो जिनके पास स्किल है, जिनके पास स्किल है उनके पास भी रोजगार है। हाँ, जिनको केवल केवल सरकारी नौकरी चाहिए बस वो अपना घूमते फिर रहे हैं। और ये आरोप लगाना बहुत आसान काम है, हर एक सरकार का मुद्दा होता है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, हर एक सरकार का मुद्दा है। अब बात आती है कि आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें कही थी अभी, हमारे प्रवक्ता लोगों ने भी कही थी जो थी। देखिए, प्रत्येक विधानसभा सत्र के अंदर विपक्ष का इसी प्रकार का हंगामा देखा जाता है, किसी भी राज्य की विधानसभा देख लीजिएगा, कोई ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो सरकार के विरुद्ध प्रतिपक्ष है वो किस प्रकार के एजेंडे सामने ला रहा है, या नेता प्रतिपक्ष की शैली क्या है। ऐसे ऐसे नेता प्रतिपक्ष हुए हैं जो जिन्होंने अपनी शालीनता से सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए और सरकार ने उनको माना। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, एक सामान्य सी बात है, हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता। चुनाव शुरू हो चुका है, अब केवल यह है कि किसी ना किसी को कोई ना कोई आरोप लगाना है। यही हम आज विधानसभा में देखे हैं, कोई नई बात हमें कोई देखने को नहीं मिली। दिनेश सर, एक जो तस्वीर निकल कर सामने आई कि तमाम जितने भी बीजेपी के मंत्री विधायक थे वो राम नाम के पट्टी का पहनकर पहुंचे और फिर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था, इससे बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश है? राम मंदिर तो बना लिया उन्होंने। आपका सवाल अच्छा है, मैं इस सवाल से वो हो गया था। देखिए, राम स्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहां? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश राम जन्मभूमि और भगवान राम के एक ऐसी विलक्षण जगह है जहां से राजनीति भाजपा ने शुरू की और पूरे देश के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिला। अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार भगवान राम का, प्रभु श्री राम का जिक्र न करे तो फिर किन का जिक्र करे, बताएंगे आप? अभी अभी अब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे हमारे आराध्य है भगवान राम भी, तो फिर आपत्ति क्यों? आप मतलब बाहर कुछ और बोलेंगे, अंदर कुछ और बोलेंगे, ये तो मुख्य एजेंडा है बीजेपी का भाई, आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मतलब नौकरी ना दें, स्वास्थ्य सुविधा ना करें और राम का नाम ले और जीत जाएं, ये आप दिनेश भाई सही मानते हो? राज भाई देखिए, ऐसा है कि कौन ऐसा दल है जिसने की मुद्दों को भुलाया नहीं हो, और जहां तक ये मुद्दे ना, 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 दिनेश भाई, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, हालांकि मैं कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन एक बात बात ही ना, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, मेरे जैसे बुजुर्ग को। दिनेश जी, जहां तक मैं इस मुद्दे को पढ़ रही हूं, इस मुद्दे को पढ़ने के साथ साथ ये धर्म की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, इसका बीज बोने वाली कौन सी पार्टी थी? पारुण जी, दिनेश जी, जहां तक मैं इस मुद्दे को पढ़ रही हूँ, इस पर स्टडी कर रही हूँ, ये इस धर्म के मुद्दे को का जो बीज है उत्तर प्रदेश के सियासत में किसने बोया था, जरा फ्लैशबैक बता दीजिए मेरे दर्शकों को। देखिए, धर्म और राजनीति को कभी भी अलग करके नहीं देखा जा सकता। पंजाब के अंदर अकाली राजनीति अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से शुरू हुई और वहीं से चलती है। और भी अगर कहीं आप देखेंगे जाके, तो आप अगर ये सोचें कि आप धर्म को अलग कर लें और राजनीति को अलग कर लें, ये बिल्कुल एक बेमानी बात है। देश की जनता की भावनाएं जिन मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, वहां राजनेता अपनी रोटियां सेकते हैं, फिर कोई भी दल हो। ठीक है, 30-30 सेकंड में आप सभी की बात आ जाए। ठीक है, अशोक जी, आप जवाब दे दीजिए, विनय जी फिर आपके पास आ रही, कहिए अशोक जी। आप बता दें कि पहले सरकार ये है जिसने किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है, क्या गलत है? इन लोगों ने किसानों को बना के मजबूत बना दिया था। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को निलावने पौने दाम पे बेचने का कुचक्र कर रहे थे ये लोग, आज उनकी व्यवस्था हमने सुधारी है। गन्ना किसानों का बकाया हमने दिया है, 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया भी है। सबसे ज्यादा धान की खरीद हम कर रहे हैं, हमने बिजली लगातार 24 घंटा हम देने का काम कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोरोना संक्रमण काल में योगी जी की पीठ लंदन की संसद ने थपथपाई थी,
कैसा योगी अगर लंदन को मिल जाए तो कोरोना मत जाइए, फिर बहुत से मुद्दे निकलेंगे, कोरोना पर मत जाइए, बहुत से फिर आप बैकफुट पर आप भी आ जाएंगे। अशोक जी अपनी तारीफ करवाइए लेकिन इतनी भी ना करवाइए कि आपकी फिर पर्चे खुलना शुरू हो जाएं। अरे लंदन भेज दोगे, भेजना पड़ेगा संत जी को, आपके मोदी जी संत को जीने नहीं दे रहे। अरे आपके मोदी संत जी को अपनी सरकार चलाने नहीं दे रहे, उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ेगा। आप पाप के भोगी हो। एक संत मुख्यमंत्री जो अच्छा काम करना चाहते हैं, आप उनको काम नहीं करने दे रहे हो, आप उनके इर्द गिर्द कांटे बो रहे हो। ये हमदर्दी योगी जी से, वो विराज शर्मा आप लोगों को किसी को डाइजेस्ट होगी नहीं आप आपकी इतनी हमदर्दी योगी जी से। ठीक है नहीं, एक मिनट चारू जी मैं कहता हूँ, वो संत की हैसियत से अगर वो संत हैं तो मेरी हमदर्दी नहीं, मेरा सम्मान है उनके प्रति। वो संत है एक पीठ के, अगर मैं सम्मान नहीं करूंगा तो लानत है। मैं सम्मान का सच्ची का करूं, मैं सम्मान झूठों का करूं? कल तक जो उन्हीं से बेअदबी से पेश आ रहे थे उनके नाम के साथ बहुत जुड़ रहे थे, आज आज उन्हें ये संत बड़े प्रिय हो रहे हैं और उनकी पीड़ा को आप अपनी पीड़ा मान रहे हैं। गजब है साहब, ये राजनीति ना जाने कहां कहां राजनेताओं को ले जाएगी। खैर समझ रही हूँ वहां वो सीटें अनाउंस कर देते हैं 16, आपको बताते नहीं है, यहां संत जी आपको प्यारे लगने लगते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन गजब है। ठीक है विनय जी, अपनी बात रख लीजिए, समय फिर कम है मेरे पास, आपकी बारी ना आ पाएगी फिर। हाँ जी कहिए। बोलेंगे आपने तो पहले ही समाजवादी पार्टी को तो कभी आपने बोलने दिया ही नहीं। तब से मैं कह रहा हूँ कि मुझे बोलने दीजिए, समय नहीं दिया आपने। अरे आप ही के पास आ गए, अब आप समय करते रहेंगे तो निकल जाएगा समय। बोलिए, झूठे मक्कारों को जो झूठ की पोटली लिए है वो उनको आप बोलने के लिए पूरा समय दे रही है, एडवर्टीजमेंट करते जाओ। आपने अभी कहा है कि मुद्दे पर आइए, सर अपनी पीड़ा मत बताइए, मुद्दे पर आइए। अपराधियों पीड़ा नहीं है, आप अपनी पीड़ा देखिए, पार्टी की पीड़ा देखिए, हमारे पास कोई पीड़ा नहीं है, चिंता मत कीजिए। आपको बोलना है नहीं बोलना है विनय जी, टाइम खराब मत कीजिए मेरे दर्शकों का, आपके पास नहीं है बोलने के लिए कुछ, गठबंधन चल नहीं पा रहा है आपका, 16 नंबर आप अपने दे चुके हो, कांग्रेस को आप हाथ नहीं मिलाने दे रहे हो, फिर कह रहे हो यहाँ पर बोलने नहीं दे रहे। आप ही के सही होगी तो बोल रहे थे, उनका बोलना अच्छा नहीं लगा आपको? किसी का बोलना हमें नहीं, मतलब कि हमें तो समय देना चाहिए। आ रही आप ही के पास ही आ रही थी सर, मैं अब आपको नहीं बोलना है, आपको मुझे कोसने में समय निकालना है तो निकाल लीजिए। बोलिए मुद्दे पर बोलिए। दिनेश जी ने थोड़ा सुन लो भाई, लोगों थोड़ा चुप हो जाओ सो भाई, कहिए विनय जी बारी बारी से प्लीज, अब की बारी हो चुकी है विनय जी, बोलिए। दिनेश जी ने कहा बेरोजगार दो प्रकार के हैं, एक तो जिनको केवल सरकारी नौकरी चाहिए वो बेरोजगार है, प्राइवेट फर्म में कितनी नौकरियां हैं दिनेश भाई बता दें। अभी चारू जी बैठी हैं, अभी पारुल नाम है मेरा, प्लीज पारुल नाम है मेरा, जिनके पास स्किल है, जिनके पास स्किल है वो देश में भी और बाहर भी अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। जी बोलने दीजिए पारुल जी बैठी हुई है, पूछिए इन्हीं के सेक्टर में कितने लोगों को विदा किया गया है, कितनी नौकरियां है आज सबको निकाल करके बाहर किया जा रहा है। आप बता रहे नौकरियां है कहां पे नौकरियां, देखिए महिमा मंडल करिए वो ठीक है, लेकिन कम से कम जो हकीकत है जनता की वो तो आप लोग बताए कि ये हो गई। दूसरी बात, अभी पारुल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मंदिर बनवा दिया, अरे भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा मंदिर बनवा दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनता के पैसे से मंदिर बना है, इवेंट भारतीय जनता पार्टी लगाते। फिर आप भी सदन में जय श्री राम के नारे, आप लोग फिर चुप क्यों बैठे थे? बीजेपी ने ठीक है, लेकिन जिस मुद्दे को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है, चलिए समय इजाजत नहीं देता। ये अच्छी बात कही कि रोजगार को लेकर जो आप भी गलत कह बैठे, सरकार को ताने दे रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं उन तक भी। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय अब इतनी इजाजत देता था मैं चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया और आप इस चर्चा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आता है, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी कई सारे मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, लेकिन अट्रैक्शन किस चीज पर गया, सदन में राम नाम की पट्टिका पहनकर तमाम बीजेपी विधायक मंत्री पहुंचे, अट्रैक्शन उधर भी गया, लोगों का एक नजरिया उधर भी गया और दूसरा जय श्री राम के उद्घोष लगाया। जब नारे लगा रहे थे तमाम लोग तो जो लोग टीवी पर देख रहे थे
एक दोबारा से नजरिया वहीं गया राम मंदिर, यानी ये मुद्दा बीजेपी 24 में भी लेकर जाएगी और ये मुद्दा इतना स्ट्रांग है कि तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि विपक्ष बैकफुट पर आया जब प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, तमाम लोगों के जो जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी, और कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी अभी भी आप देख रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे दर्शन करने के लिए, अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है। तो लोगों की आस्था, लोगों की भावनाएं किस कदर जुड़ी हुई है उनको वोटों की गिनती में मत लीजिए, लेकिन वो ये मानकर चल रहा है कि राम मंदिर बना है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद तमाम मुद्दे उस तरीके से देख रहा है। ये बात भी है कि इन तमाम मुद्दों को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई और भी कई सारी चीजें हैं, इन मुद्दों को अगर भुनाया जाए, जनता के बीच में प्रदर्शन किए जाएं और तमाम वो रास्ते अपनाए जाएं जिससे इन मुद्दों को वाकई हाइप दी जाए या फिर इन्हें बड़ा बनाया जाए, तो जनता के बीच में आप अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन अब वक्त उतना है नहीं और आपके पास रास्ता है सदन के बाहर तख्तियां लेकर बैठना, तो वो आप कर ही रहे हैं। अब ऐसे में जनता इन मुद्दों को कितना महत्वपूर्ण मान रही है या जनता इन बातों को कितना महत्वपूर्ण मान रही है, जबकि कल हमने बजट सुना तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रोजगार को लेकर भी बात की, लखपति दीदियों की भी बात की, घर बनाने के लिए, शौचालय, राशन और भी कई सारी चीजें जिनको लेकर बात की गई। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि यह एंटरिम बजट था जिस पर बात हो रही थी, और इससे उत्तर प्रदेश को भी फायदा है क्योंकि टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान है, लेकिन वो कोई बात नहीं करेगा। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।